रोप पुलिंग चैलेंज। मार्कापुर के गांव में राजेंद्र कहकर एक धनवान रहता था। उसको सुंदर कहकर एक बच्चा था। सुंदर तो स्कूल में गरीब बच्चों के साथ बहुत दोस्ती करता था। पिताजी को मालूम चले बिना मुश्किल में रहने वाले उनके दोस्तों को पैसे भी देता था। वो बात पता चलकर राजेंद्र सुरेंद्र को घर में डांटता रहता था। घर से पैसे लेकर तुम्हारे दोस्तों को दे रहा है कहकर मुझे मालूम है, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। उन गरीब कहीं को कितना भी पैसे देने से भी फायदा नहीं है, फिर एक बार ऐसा किया तो मार खाओगे, कहकर डांटने लगा। राजेंद्र को तरह तरह के मुकाबला लगाना बहुत पसंद था, लेकिन वो मुकाबले तो बहुत खतरनाक रहते थे। जैसे कि आपके शोले पर पैरों से पैदल चलना, शीशे के टुकड़ों के ऊपर से पैदल चलना और पानी के अंदर कौन ज्यादा ठहर सकेगा, ऐसे मुकाबले रखता था। उसमें हिस्सा लेने वाले दर्द से दुखी होते थे, तब राजेंद्र उनको देखकर बहुत हंसता था। ये देखकर सुरेंद्र बहुत दुखी होता था। एक बार सुरेंद्र स्कूल में उसका मोबाइल फोन देख रहा था, तब बगल में से गरीब दोस्त देखने लगे। तब एक, सुरेंद्र आजकल ऑनलाइन क्लास में शामिल होना है और मेरे पिताजी के पास तो फोन नहीं होने की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे पिताजी तो खरीदने के हालत में भी नहीं है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, कहा। तब सुरेंद्र, अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोन खरीद कर देता हूँ, 4 दिन रुको, कहा। तब वो लड़का, नहीं सुरेंद्र, आज तक तुमने हमारे बहुत मदद किया, तुम्हारे पिताजी के हाथों से हमारे लिए बहुत मार भी खाया, नहीं नहीं, कहा। तब सुरेंद्र, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे जन्मदिन में भी कुछ नहीं दिया, अब ना मत कहना। इतने में सारे बच्चे क्लास में दुखी से बैठी हुई एक लड़की को देखे। तब सुरेंद्र जाकर, क्या हुआ है, पूछा। तब वो बच्ची, मेरे पिता को दिल की बीमारी आई है, ऑपरेशन करने के लिए 10 लाख खर्चा होंगे कह रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पिता अब मर जाएंगे। ये देखकर सारे बच्चे बहुत दुखी होने लगे। सुरेंद्र घर जाकर देखने से एक बड़ा सा गिलास उल्टा रखा हुआ था और उसके नीचे से 10 रस्सियां लगे हुए थे और हर एक रस्सी को 1 से 10 नंबर्स तक लगे हुए थे। बगल में एक बड़ा सा रबर का हथौड़ा भी था। ये देखकर सुरेंद्र, मेरे पिताजी ने फिर से कुछ बेकार का मुकाबला के लिए कुछ तैयार किया होगा, क्या है ये, इस बार बेचारे कौन इसका बलिदान होंगे, सोचते हुए घर के अंदर गया। घर के अंदर एक कमरे में राजेंद्र 3 लोगों के साथ बात कर रहा था। सुरेंद्र तो खिड़की में से छुपके से सुनने लगा। तब राजेंद्र, कल में जो लगाने वाला मुकाबला में तो बहुत मजा आएगा, ग्लास के नीचे से 10 रस्सियां होंगे, उन रस्सियों में एक रस्सी में पैसे और एक रस्सी में आईफोन 14 लगाया है, बाकी के रस्सी कटे हुए होंगे, तुम दोनों 4 नंबर और 8 नंबर का रस्सियां पकड़कर खींचिए, ये नहीं कटे हुए होंगे, उन रस्सियों में आईफोन और पैसे रहते हैं, इसलिए वो आपको मिलता है, बाकी के हिस्सेदार कौन सा भी रस्सी खींचेगा तो कटा हुआ रस्सी ही मिलेगा, कटा हुआ रस्सी जिसको भी मिलेगा उसे तुम उस रबर वाला हथौड़ा से बेहोश होने तक मारोगे। कैसा है ये खेल, बहुत मजा आएगा ना। कहकर तीनों हंसने लगे। ये देखकर सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया, तुरंत ही उनके दोस्तों के पास जाकर क्या करना है ये बताया। अगले दिन प्रतियोगिता के जगह पर गांव वाले देखने के लिए आए। राजेंद्र गांव वालों को उस मुकाबला के बारे में कहते हुए, सबको अच्छे से याद है ना, अगर किसी की रस्सी टूटा हुआ निकलता है तो उसको ये हथौड़ा से सर पर मारेंगे, जरा सावधान से रहना, कहा। ग्लास के अंदर सुरेंद्र बैठा हुआ था, तब एक आदमी आगे आकर एक रस्सी को पकड़ा। ग्लास के अंदर सुरेंद्र उस रस्सी को गांठ बांधा, लेकिन रस्सी कटे बिना निकला, लेकिन पैसे या आईफोन तो नहीं आया। वो देखकर राजेंद्र और उनके आदमी चौंक गए। ऐसे ही और एक आदमी आकर रस्सी को पकड़ा, तब सुरेंद्र उसका रस्सी को भी गांठ बांधा, उसका रस्सी भी कटे बिना निकल गया। वो देखकर राजेंद्र घबरा गया। तब राजेंद्र का आदमी आकर 4 नंबर का रस्सी को पकड़कर खींचने के लिए देखा तो उसे सुरेंद्र काट लिया। तब कटा हुआ रस्सी आने से हथौड़ा पकड़ा हुआ राजेंद्र के आदमी को उसके सर पर हथौड़ा से मारना ही पड़ा, तब वो बेहोश होकर गिर गया।
तब और एक आकर 8 नंबर का रस्सी को खींचा तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ, वो भी हथौड़ा के मार से बेहोश हो गया। इस बार वो बच्ची जिसका पिता का ऑपरेशन करवाना था वो आकर रस्सी को खींची, तब सुरेंद्र उस रस्सी को पैसे वाला रस्सी से बांध लिया, तब वो बच्ची रस्सी खींचने से पैसे आए। ये देखकर राजेंद्र का सर घूम गया। इस बार वो लड़का जिसको फोन का जरूरत था वो आकर रस्सी को खींचा, सुरेंद्र उस रस्सी को आईफोन लगाया हुआ रस्सी से बांध लिया, तब वो बच्चा वो रस्सी खींचने से उसे आईफोन मिला। वो देखकर सब लोग तालियां बजाए। तब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आकर राजेंद्र घसकाकर नीचे गिर गया। उन पैसों से उस बच्ची का पिता का ऑपरेशन हुआ। सुरेंद्र का दोस्त आईफोन में ऑनलाइन क्लास में हाजिर होने लगा। इन दोनों के लिए सुरेंद्र बहुत खुश हुआ।